मेरे पास शब्द नहीं। केएल राहुल ने लखनऊ की शर्मनाक हार के बाद मानी अपनी ये गलती। एसआरएच के ओपनर्स की खूब तारीफ की। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। लखनऊ सुपर जॉइंट्स को बुधवार को आईपीएल 2024 के 57वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के हाथों 10 विकेट की शर्मनाक शिकस्त झेलनी पड़ी। लखनऊ सुपर जॉइंट्स के कप्तान केएल राहुल ने मैच के बाद अपनी एक गलती मानी और साथ ही हैदराबाद के ओपनर्स की खूब तारीफ की। बता दें कि हैदराबाद ने 62 गेंदे शेष रहते हुए बिना विकेट कमाए लक्ष्य हासिल किया। लखनऊ सुपर जॉइंट्स को बुधवार को सनराइजर्स हैदराबाद के हाथों 62 गेंदे शेष रहते 10 विकेट की शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम पर खेले गए मुकाबले में एलएसजी ने पहले बल्लेबाजी करके 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 165 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने केवल 9.4 ओवर में बिना विकेट गवाए लक्ष्य हासिल किया। लखनऊ सुपर जॉइंट्स की करारी पराजय के बाद कप्तान केएल राहुल ने अपनी टीम की बड़ी गलती का खुलासा किया। राहुल ने साथ ही हैदराबाद के दोनों ओपनर्स ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की जमकर तारीफ की। राहुल ने बताया कि हैदराबाद के बल्लेबाजों ने इस तरह शॉट्स के लिए मानो पिच में कोई दिक्कत ही नहीं हो। बता दें कि लखनऊ सुपर जॉइंट्स की मौजूदा सीजन में 6ठी हार रही। मैच के बाद लखनऊ सुपर जॉइंट्स के मालिक संजीव गोयनका गलत कारणों से सुर्खियों का हिस्सा बने। एक वीडियो सामने आया जिसमें संजीव गोयनका कप्तान केएल राहुल के सामने गुस्से में कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। लंगर के आने के बाद भी संजीव गोयनका का गुस्सा कम नहीं हुआ और उन्होंने कोच के सामने भी अपनी बात कहना जारी रखा। केएल राहुल इस दौरान थोड़ा असहज नजर आए और वो वहाँ से चले गए। गोयनका को सोशल मीडिया पर यूजर्स की फटकार का सामना करना पड़ रहा है। सोशल मीडिया यूजर्स का मानना है कि किसी मालिक को इस तरह खिलाड़ियों से बातचीत नहीं करनी चाहिए क्योंकि वहाँ कई कैमरे लगे हुए हैं। एक यूजर ने वीडियो शेयर करके कमेंट किया, गोयनका का इस शर्मनाक बर्ताव बीसीसीआई द्वारा आईपीएल से इन्हें जल्द से जल्द बैन कर देना चाहिए। वो केएल राहुल या एमएसडी जैसे कप्तान को पाने के हकदार नहीं है। लखनऊ की टीम बुधवार को हैदराबाद में खेले गए मुकाबले में 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 165 रन बना सकी थी। सनराइजर्स हैदराबाद के ओपनर्स ने 250 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए केवल 58 गेंदों में खेल खत्म कर दिया। लखनऊ सुपर जॉइंट्स के लिए प्लेऑफ की राह मुश्किल हो चली है। उसे अपने अगले दोनों मैच जीतने होंगे, भाग्य पर ही निर्भर रहना होगा। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस को प्लेऑफ की रेस से बाहर कर दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सोहागी बाईपास।